दोस्तों ये तो हल्का बैच का दूसर का दिन है, यानी ये दूसर का वीडियो है। पहल का वीडियो आप नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिएगा। देखिए ये तो हल्का बैच के बारे में आपको थोड़ा मोड़ा हम आपको बता देते हैं। देखिए ये तो हल्का बैच है जो 28 दिन का है, पूरे 28 दिन में आपका जितना सिलेबस है ना, ये पूरा सिलेबस आपको कवर कर लेगा। देखिए जितना टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, इस हल्का बैच में बता दिया जाएगा। देखिए जो आपका डर बैठा हुआ है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर, तो ये हल्का बैच आपका पूरा जो डर बैठा हुआ है ये पूरा जड़ से लेके अंत तक डर ये खत्म कर देगा। देखिए पहल का वीडियो में हम आपको 30 को बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता चुके थे। फिर आपको देखिए हर एक वीडियो में 30 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे और इसका सोल्यूशन भी, यानी जो देखिए ये पूरे सभी विषय का यानी 399 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा। बस ये 399 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप कवर कर लीजिए, समझिए कि यही से आपका सारा क्वेश्चन इसी में से आएगा तो आएगा। बस ये और आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, जितना यानी 28 दिन में जितना कराया जा रहा है ना इस चैनल पर उतना करके देखो, अच्छा खासा ही नंबर आने वाला है। देखिए एक वीडियो में 30 को ऑब्जेक्टिव बताएंगे, यानी एक विषय का 399 को ऑब्जेक्टिव बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मैथ का, तो मैथ का 399 को ऑब्जेक्टिव रहेगा, फिजिक्स का तो 399 को ऑब्जेक्टिव रहेगा, केमिस्ट्री का तो 399 को ऑब्जेक्टिव रहेगा। बस इससे ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, जितना कराया जा रहा है उतना करके देखो, यानी केवल 28 दिन इस चैनल के साथ जुड़ कर देखो, अच्छा खासा नंबर आने ही वाला है। तो चलिए पहल का वीडियो आप नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिएगा। अभी आपको फिर 30 को ऑब्जेक्टिव बताने वाले है जो गार्दा उड़ा कर यानी आप बनाइएगा ये सभी को, यानी इसमें बताइएगा 30 को ऑब्जेक्टिव में से आपको कितना क्वेश्चन आपको आया, कितना क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको आपको कॉपी में लिखना है, यानी देखिए पूरा जो आ रहा है जो नहीं आ रहा है उसको भी आपको कॉपी में लिखना है, जैसे 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 सोल्यूशन करा रहा है ना उस सोल्यूशन को भी आपको लिखते जाना है बार बार। ये जो 30 को यानी पहले 30 को ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं, फिर 30 को ऑब्जेक्टिव बता दे रहे हैं, यानी 60 को ऑब्जेक्टिव हो गया। बस ये 60 ऑब्जेक्टिव को बार बार आपको दिन में एक या दो बार आपको बना लेना है तो बना लेना है। बस तो चलिए यानी स्टार्ट करते हैं फिर आज का। आप देखिए 31 से स्टार्ट करते हैं, यानी पहले 30 को बता चुके हैं तो फिर ये 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसका फटाका किस वीडियो के कमेंट में इसका आंसर बताइए। तो बताइए तो भाई इसका आंसर कौन होगा, 90 डिग्री होगा कि 26 डिग्री होगा कि 1 होगा कि 80 डिग्री होगा, इसका आंसर कौन होगा। तो चलिए इसका हम आपको ट्रिक बताते हैं और कॉन्सेप्ट भी बताते हैं। देखिए जब भी आपको यहाँ पे टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉट हो, यानी यहाँ पे साइन हो, कॉस हो, जब भी आपको ऐसे यानी इसके विपरीत वाले टेन कॉट साइन कॉस होता है ना भाई, ऐसे अंक मिल जाए, ये दोनों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री पूर जाए ना तो समझिए कि उसका आंसर कितना होगा, तो उसका आंसर 1 होगा। कितना होगा, तो उसका आंसर 1 होगा। बुझा गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए अब इसको कैसे सोल्यूशन कीजिएगा कि इसका आंसर 1 ही होगा, आपको तो हम बता दिए कि जैसे कि आपके एग्जाम में आएगा तो वहाँ पर सोल्यूशन मत कीजिएगा, इसका देखिएगा कि दोनों जोड़िएगा 90 डिग्री पूर गया तो फटाक देना, देखिएगा कि आंसर 1 कहां पे है। ऑप्शन नंबर जॉन बॉय भी रहेगा 1, उसको टिक आपको कर देना है। तो देखिए ये दिया है ना, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 10 26 डिग्री बटा कॉट 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री, ऐसे कर सकते हैं, या इसे 26 डिग्री ऐसे कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 90 में से ये 26 घटाइएगा तो फिर 64 डिग्री चलाएगा। तो यहाँ पे इसे ऐसे लिख सकते हैं 10 26 डिग्री बटा देखिए कॉट 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, 10 थीटा होता है ना, तो 10 26 डिग्री चलेगा कि नहीं, तो ये दोनों कट जाएगा तो इसका आंसर कितना होगा, 1 नहीं चलेगा, बिल्कुल 1 आ जाएगा। तो देखिए 10 जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले ना, तो ऐसे तो आपको बनाने का तरीका बता दिए, जब भी आपको हबर दबर में आपको देखिए यानी जल्द जल्द अगर आंसर बताना होगा ना, तो जैसे दोनों को जोड़िएगा अगर 90 डिग्री पूर जाए तो फटाक देना, देखिएगा कि ऑप्शन में 1 कहाँ पर है, जॉन भी ऑप्शन में रहेगा उसको आंसर 1 टिक कर देना है। बस तो देखिए 31 का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। बुझा गया, चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा का नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल होगा, यानी मूलों का गुणनफल पूछा है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर पूछा है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, सी बटा ए होता है। तो देखिए इसमें सी यानी ए का मान ए हुआ, ये बी का मान हुआ माइनस चार हुआ, आइए सी का मान हुआ, तो सी बटा ए, तो एक यानी सी का मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, ए का मान कितना होगा, तो चार
होगा, तो एक बटा चार इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में देखिए ए बी सी यानी ऑप्शन नंबर सी भी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। यानी ये 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल आपको बुझा रहा होगा। बहुत ही सब जितना ऑब्जेक्टिव है ना, बहुत बेहतरीन ऑब्जेक्टिव है, टॉप टॉप ऑब्जेक्टिव है। प्रीवियस ईयर में यही सब क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, और जो क्वेश्चन पूछने का जो संभावना है ना, वो सब क्वेश्चन लाया गया है। बस जितना कराया जा रहा है उतना करते जाओ, अच्छा खासा नंबर आने ही वाला है। चलिए 32 नंबर हो गया, आप 33 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसका आंसर कमेंट में आपको लिखना है। बताइए तो भाई इसका आंसर कितना होगा। देखिए देखिए इसका सलूशन भी यहाँ पे हम करते हैं। देखिए बोल रहा है कि यदि वर्ग का विकर्ण इतना सेंटीमीटर हो तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितना होगा। यानी वर्ग का विकर्ण देखिए ये 16√2 सेंटीमीटर दिया है, तो ये भुजा की लंबाई पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है, बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं बार का देखकर। तो नहीं नहीं छोड़ना नहीं है, जो तरीका हम आपको बता रहे हैं उस तरीका को आपको फॉलो करना है। केवल 28 दिन इस चैनल के साथ आप जुड़ कर देखिए, देखिए आपका स्कोर कितना हाई चल जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या बोला है कि यदि वर्ग का विकर्ण इतना सेंटीमीटर हो, मान लीजिए कि ऐसे हम एक वर्ग बना लेते हैं, क्या करते हैं ऐसे एक वर्ग बना लेते हैं, क्या बोल रहे हैं कि विकर्ण, तो यहाँ से ऐसे हम खींचेंगे वही ना विकर्ण होगा। तो देखिए ये त्रिभुज जैसा बन गया, आराम से कहिएगा बन गया। तो इसका विकर्ण इतना सेंटीमीटर दिया है, यानी 16√2 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे हम लिख देखते हैं 16√2 सेंटीमीटर। चलिए ये सेंटीमीटर आपने से लिख लीजिएगा, इसे बार का फिगर बनाते तो आपको बिल्कुल बुझाता, लेकिन इस तरह भी आपको बुझा रहा है। चलिए इतना हो तो भुजा की लंबाई, मान लीजिए कि देखिए ये त्रिभुज ऐसा बन गया, तो मान लीजिए इसे भी हम x मान लेते हैं, इसे भी हम x मान लेते हैं, यहाँ पे नामकरण कर देते हैं ए बी सी कर दिया। अब देखिए यहाँ पे सूत्र होता है ना, ए सी स्क्वायर यानी एच स्क्वायर बराबर होता है क्या ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखिए ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी इसे भी ऐसे भी बोल सकते हैं एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका मान कितना दिया है, यानी देखिए 16√2 सेंटीमीटर दिया है, यानी इसका स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, यानी ये है ना, तो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर कर दिए। तो देखिए इसे दो बार स्क्वायर है, तो दो बार इसे गुना करना पड़ेगा ना, तो आप कहेगा बिल्कुल हाँ दो बार गुना करना पड़ेगा। तो चलिए 16√2 ऐसे लिख लिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक एक दो दो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए इसमें आप गुना कीजिएगा, गुना नहीं करना है, ये दो में दो से गुना कीजिएगा तो चार, और चार का वर्गमूल निकालिएगा तो दो हो जाएगा कि नहीं, तो ये 16 × 16 × 2 ऐसे कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। देखिए अब एक एक दो 2x² हो सकता है, आराम से हो सकता है। देखिए गुना में है, इधर आएगा तो भाग में कट जाएगा, ये स्क्वायर है, ये जब रूट चढ़ेगा यहाँ पे तो एक 16 बाहर चलाएगा कि नहीं, आराम से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 16 × 16 ये रूट जब चढ़ा, यानी 2 × 16 हो गया, तो ये एक यहाँ पे एक्स एक निकल जाएगा कि नहीं, यानी एक 16 निकल जाएगा बाहर, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, एक्स का मान 16 हो जाएगा। तो इसका मान भी 16 है, इसका मान भी 16, ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में हो गया। बुझा गया है क्वेश्चन, बिल्कुल आपको बुझा गया। तो इसका आंसर कितना होगा, 16 सेंटीमीटर। तो चलिए 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, सलूशन आपको बुझा गया, बिल्कुल आपको बुझा गया। देखिए ये इसको वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप कॉपी में लिख रहे हैं तो कॉपी में लिखते चलिए। चलिए अब 33 नंबर क्वेश्चन हो गया, अब 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप फटाक फटाक इस वीडियो का कमेंट में इसका आंसर बताइए। बताइए तो दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है। तो सम संख्या आप जानते हैं कि 2 से स्टार्ट होता है, तो क्रमिक पूछा है, तो सम संख्या कितना होगा एचसीएफ, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। कितना होगा तो 2 हो जाएगा। चलिए 33 34 को क्वेश्चन बता दिए, अब चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले जो आपको 30 को क्वेश्चन बता चुके थे, तो देखिए 35 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसका आंसर आप बताइए। देखिए बोल रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx का इतना मान दिया है कि मूलो हो, तो 1 α + 1 β का मान बताइए। ऑप्शन नंबर ए में 1 है, बी में -1 है, सी में 0 है, डी में इनमें कोई नहीं है, नन ऑफ दीज है, बताइए तो इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए ये इसको हल करना है
और हल करने के बाद जो भी आएगा इसमें से आपको आंसर ढूंढना है। तो चलिए ये अल्फा ऐसे हम कॉमन ले सकते हैं, ऐसे में इसका एलसीएम ले लिया, अल्फा इंटू बीटा इसका कॉमन लेंगे तो होगा। तो देखिए ये अल्फा है, ये अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो ये कितना बचेगा ऊपर, बीटा बचेगा और प्लस में, फिर ये बीटा से बीटा कट जाएगा तो यहाँ कितना होगा अल्फा बचेगा, यही ना बचेगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना सूत्र होता, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना सूत्र होता है सी बटा ए, यही ना होता है। तो देखिए इसे ऊपर पलटेंगे ऐसे माइनस बी बटा ए, देखिए ये जो नीचे है ये ऊपर चल जाएगा ए बटा सी, तो ये कट जाएगा, बचेगा कितना माइनस बी बाई सी, यही ना बचेगा। तो माइनस बी बाई सी इसी में देखना है इसका आंसर। चलिए तो इसमें देखिए यानी बी ए का मान यहाँ पे एक होगा, बी का मान भी माइनस एक होगा और सी का मान भी एक होगा। तो चलिए यानी माइनस बी बाई ए, तो देखिए यहाँ पे बी का मान कितना होगा एक होगा, तो ये माइनस में है तो माइनस एक हो जाएगा, सी का मान भी एक हो जाएगा क्योंकि सी का मान यहाँ पे एक है तो ये एक हो जाएगा, एक में एक से काटिएगा तो एक होगा, तो माइनस एक इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए यानी 35 का ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, बुझा गया। चलिए अब 35 हो गया, अब 36 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसका आंसर आप कमेंट में लिखिए। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु क्यू से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर हो, तो केंद्र से क्यू की दूरी 25 सेंटीमीटर हो, तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। नहीं क्वेश्चन बुझाया होगा, देखिए फिर से आप समझिए, बिंदु क्यू से एक बिंदु बोल रहा है यहाँ पे क्यू से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, मान लीजिए कि यहाँ पे एक वृत्त है, क्या है यहाँ पे एक वृत्त है, तो यह स्पर्श ऐसे ही ना करेगा, यह स्पर्श रेखा की लंबाई कितना सेंटीमीटर दिया है, तो 24 सेंटीमीटर दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है। तो केंद्र से यानी केंद्र यहाँ पे होता है इसका, तो केंद्र से यहाँ पे ऐसे मिला लीजिए, केंद्र से क्यू से यानी के यहाँ पर भी क्यू है, तो यहाँ से केंद्र से क्यू की दूरी, ये इसका दूरी जो है ना ये 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई यानी इसका लंबाई आपको पूछ रहा है। तो देखिए ऐसे इसको पलटिएगा तो ऐसे त्रिभुज जैसा, ऐसे हम मान लीजिए कि यहाँ से ये केंद्र है तो ऐसे खींचते तो ये त्रिभुज जैसा नहीं बन जाता, बिल्कुल आपको त्रिभुज जैसा बन जाता है। तो देखिए इसका फिगर ऐसे भी आप बना सकते हैं, चलिए देखिए हम आपको यहाँ पर बना देते हैं, ए बी सी इसका मान जो है ये 24 सेंटीमीटर दिया है, इसका मान ये 25 सेंटीमीटर दिया है, तो ये पूछ रहा है कि इसका जो लंबाई है, देखिए यहाँ पे जो दिया गया है ना इसका ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि इसका लंबाई आपको बताना है। तो आप ए सी स्क्वायर यानी एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सूत्र पर रख कर पाइथागोरस का जो प्रमेय होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सूत्र पर रख कर नहीं बना लीजिएगा कि 24 के स्क्वायर, ठीक है, और फिर 25 का स्क्वायर, और चलिए बी का मान आपको निकालना है, इसको आप हल कीजिएगा तो इसका बिल्कुल आंसर इसमें से आ जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप जैसे बताएं इसको हल कर लीजिएगा, क्योंकि आपको 30 को क्वेश्चन बताना है, इतना हिंट्स दे दिए ना, आपको बिल्कुल बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर आप देख लीजिएगा इसमें आंसर कौन होगा, तो 36 को क्वेश्चन का आंसर आपको बनाकर इस वीडियो कमेंट में बताना है कि इसका आंसर कौन होगा। तो चलिए 36 नंबर क्वेश्चन हो गया, आप 37 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसका आंसर आप कमेंट में फटाक फटाक आप लिखिए। चलिए यानी बहुलक ये सूत्र होता है, क्या होता है भाई के ये सूत्र होता है कि बहुलक 3 गुने इतना माइनस 2 गुने माध्य क्या होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा क्या होता है, बहुलक 3 गुने माधिका होता है, क्या होता है तो माधिका, क्या होता है तो माधिका होता है, इसका आंसर क्या होगा तो माधिका होता है। ऑप्शन में रहेगा कि माधे बहुलक माधिका यानी ऐसे नॉन ऑफ दीज यानी कोई नहीं, इसमें ऑप्शन रहेगा तो इसका आंसर मारिएगा कौन होगा, ये सूत्र है आपको ये सूत्र लिख लेना है, माधिका होता है, कौन होता है माधिका होता है। चलिए 37 हो गया, 38 नंबर क्वेश्चन को देखिए, देखिए बिंदु माइनस 8 और 6 किस चतुर्थांश में स्थित है, पहल का दूसर का तीसर का चौथ का, तो चतुर्थांश के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि ये देखिए ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है, इसके बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जो एक्स एक्स रहता है वो प्लस रहता है, जो डैश रहता है वह माइनस होता है। तो ये देखिए ये प्लस प्लस है ना, तो ये यानी इस पर देखिए कोई यानी माइनस का चिन्ह नहीं है यानी डैश नहीं है, तो ये दोनों प्लस प्लस यानी पहले का चतुर्थांश ये प्लस प्लस हो जाएगा। अब पहले हम एक्स का मान लिखते हैं, तो ये डैश है तो माइनस ये हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये इस पर डैश नहीं है तो ये प्लस है। चलिए
ये माइनस प्लस हो गया। आइए देखिए, फिर बोलते हैं कि पहले माइनस का चिन्ह लिखाता है, तो चलिए यानी पहले एक्स डैश का चिन्ह लिखाता है, तो एक्स का मान माइनस, इसका भी मान माइनस, यानी चलिए माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, यही ना होगा। ये पहल का चतुर्थांश है, ये दूसर का है, ये तीसरा, ये चौथा है, यही ना है। चलिए अब बोल रहा है क्या कि माइनस छ, माइनस आठ और छ की चतुर्थांश है, तो माइनस पहले और प्लस बाद में, यानी माइनस पहले, यहाँ पे माइनस पहले या प्लस बाद में, तो देखिए इसमें कौन है, माइनस इसमें पहले है और प्लस इन दूसर का चतुर्थांश में है। कौन चतुर्थांश में है, तो ये दूसर का चतुर्थांश में, आपको बिल्कुल बुझा गया होगा। चलिए आपको 38 नंबर क्वेश्चन हो गया, 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बताइए तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन होगा। चलिए साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो एक होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर एक हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसका आंसर आप कमेंट में लिखिए। चलिए ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बार बार ऑब्जेक्टिव में भी या सब्जेक्टिव में भी आपको देखने को मिलेगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो फटाक देना, आपको ऐसे त्रिभुज बना लेना है, क्या करना है, समकोण त्रिभुज ऐसे बना लेना है, ए बी सी ऐसे इसका नामकरण कर देना है। करने के बाद काथी दिया है, साइन थीटा बराबर इतना, तो साइन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, तो पी का मान 12 हो जाएगा, एच का मान 13 हो जाएगा। साइन थीटा बराबर ऐसे सूत्र होता है ना, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, तो ये पी का मान हो गया, ये एच का मान हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये P का मान 12 हो जाएगा और एच का मान कितना होगा, 13 होगा। ऐसे कीजिएगा, इसका मान आपको निकाल लेना है कौन सूत्र से, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सूत्र से इसका मान निकाल लेना है। और तब पूछा है टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा का आपको मान बताना है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा बी होता है, यही ना होता है। तो यहाँ पे देखिए ये पी का मान हो जाएगा 12, और जो भी यहाँ बी का मान आएगा वो आपको यहाँ पे इसका आंसर आपको बता देना है। बस इतना काम करना है, जितना हम आपको बता रहे हैं ना उतना आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। यानी इसका मान निकाल लेना है, पी बटा बी का मान आपको यहाँ पे बी का मान आ जाएगा, तो टेन थीटा बराबर पी बटा बी होता है, तो इसका मान आपको निकाल लेना है, ठीक है। चलिए 40 नंबर भी क्वेश्चन बता लिए, यानी इतना को आपको थोड़ा अपने से भी सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन हो गया, अब 41 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसका आंसर आपको बताइए कमेंट में। तो देखिए ये बोल रहा है कि बिंदु इतना और इतना के बीच का दूरी क्या होगा, ऑप्शन ए में है कि 2√2 यानी इकाई है, बताइए इसमें से आंसर कौन होगा। तो देखिए ये दूरी सूत्र का यानी बीच के दूरी का सूत्र क्या होता है, यानी x2 माइनस यानी x2 माइनस x1 यही ना होता है कि होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही ना सूत्र होता है, रूट ये चढ़ता है, क्या होता है कि ये रूट में रहता है, ये दूरी सूत्र है, ये बीच के दूरी का सूत्र है। तो देखिए यहाँ पे ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, बस इसी में आपको मान रख लेना है, इसका आंसर इसी में से कोई ना कोई होगा। बस इतना आपको देखिए सूत्र आपको बता दिए और इसका मान भी बता दिए कि ये x1 होगा, ये x2 होगा, ये y1 होगा, ये y2 होगा, बस इतना इस कर लेना है। यानी जैसे से बता रहे हैं उतना आपको हल करते जाना है, इसको ऑब्जेक्टिव बताना है क्योंकि थोड़ा समय लगेगा, इतना आपको हल कर लेना है, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन हो गया, 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि इतना अक्रे के माध्य बताइए, यानी ये दिया है तो माध्य कहिए या औसत कहिए, बात एक ही होता है। आपसे कोई बोलेगा कि माध्य बताइए या इसका औसत बताइए, समझिए दोनों एक ही होता है। तो माध्य बराबर होता है कि सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, जितना रहेगा उतना को जोड़ दीजिएगा, जितना इसे रहेगा ना उतना से भाग दे दीजिएगा, तो माध्य ही कल जाएगा। तो देखिए ये 5 और 0 जो जोड़िएगा तो 5 ही होगा, एक जोड़िएगा 6, यानी 1 + 0 + 5 इतना हो गया। यानी माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, तो 1 2 3 तीन को है तो 3 से भाग दे दीजिएगा। देखिए 5 1 6 बटा 3 है, 3 2 6 यही इसका यानी 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में इसका बिल्कुल सही है, यानी 2 ऑप्शन नंबर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर कितना होगा, तो 2 होगा, बुझा गया। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन हो गया, अब 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, द्विघात पूछा है ना, तो द्विघात यानी 2 कितना होता है, तो 2 गो होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बताइए
ये इतना दिया है ना कि वन भागा रूट दू एक है, तो ये कौन सी संख्या है, तो एक अपरिमेय संख्या। कौन है? अपरिमेय संख्या। बुझा गया नहीं? देखिए ये मान डायरेक्ट आपको देगा कि वन भागा रूट दू कौन सी संख्या, तो ये अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? तो अपरिमेय संख्या। बुझा गया? 44 को क्वेश्चन हो गया। अब चलिए 45 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए ये बीसी लम डीई है, यानी ये चित्र दिया है, इस चित्र में से आपको आंसर बताना है। दिया है कि बीसी, यानी देखिए यहाँ पे बीसी लम्ब यानी डीई है, यानी इतना बीसी बराबर या डीई है, इतना दिया है। तो बोल रहा है कि ए डी, यानी यहाँ पे ए और डी, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ए डी लम्ब, यानी ये अनुपात का चिन्ह है, यानी संपात भी इसे बोल सकते हैं, इसे भिन्न भी आप बोल सकते हैं। ए डी संपात यानी ए बी है, यानी इतना मान इतना के बराबर, ए डी पहले दिया है फिर ए बी दिया है। आप पूछ रहा है कि ए ई यानी यहाँ से लेकर ए ई इतना लेकर, यानी इतना पूछा है। तो देखिए पहले ए डी हुआ था फिर ए बी हो गया, तो यहाँ पे देखिए ए ई दे दिया, तो फिर हम ए सी नहीं कर सकते हैं, आराम से ए सी कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो इसका आंसर कितना होगा? ए सी हो जाएगा। बिल्कुल आपको ये 45 नंबर क्वेश्चन बुझा गया होगा। चलिए अब 46 नंबर क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर बताइए। बोलिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की परिक्ता नहीं हो सकती है? ऑप्शन देखिए और इसका आंसर बताइए। देखिए परिक्ता का मान एक से लेकर यानी जीरो से लेकर यानी एक तक होता है, यानी जीरो से छोटा नहीं होता है और एक से बारह नहीं होता, यही ना होता है। और कभी भी माइनस में परिक्ता का मान नहीं होता है, यही ना होता है। तो देखिए ये माइनस में है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है, यही परिक्ता का मान नहीं होगा। देखिए ये सब परसेंट में है तो काटिएगा तो ये तो जीरो से कम आइए जाएगा, लेकिन माइनस वाले कभी भी परिक्ता का मान नहीं होता है। 46 नंबर भी क्वेश्चन बुझा गया होगा। अब चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर कमेंट में फटाक फटाक आप लिखिए। चलिए देखिए यदि रूट टू कॉस थीटा बराबर वन, तो थीटा का मान पूछ रहा है। तो देखिए इसे ऐसे हम लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर एक ऐसे कर सकते हैं, जो दिया है उतना ही लिख लिए। और देखिए ये गुना में है, काथी में है, ये गुना में है, तो इधर आएगा तो भाग में चलाएगा, आराम से कहिएगा चलाएगा। देखिए यही थीटा का मान पूछा है, कितना यह काथी का मान पूछा है, तो ये थीटा का मान पूछा है, तो इसे ऐसे कर सकते हैं। देखिए कॉस थीटा बराबर कॉस 45 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, क्योंकि कॉस 45 का मान कितना होता है? एक बटा रूट दू होता है, यही ना होता है, बिल्कुल यही होता है। देखिए अभी देखिए ये कॉस से कॉस एक कट जाएगा, तो ये थीटा बराबर कितना हो जाएगा? थीटा बराबर 45 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल ये 45 डिग्री हो जाएगा, तो इसका मान 47 का ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बुझा रहा होगा? बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन बुझा गया होगा, यानी इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है? यानी ऐसे ऐसे देखिए थोड़ा मोड़ा आपको दिमाग लगेगा तो फटाक फटाक सभी क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए जितना आपको इस चैनल पर कराया जा रहा है 399 को ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है, बस शुरू में बोले हैं कि बस 399 को ऑब्जेक्टिव को आपको किसी तरह याद करना है तो याद कर जाइए, नहीं तो जिस तरीका से जिस कॉन्सेप्ट से बताया जा रहा है उस कॉन्सेप्ट को अपने कॉपी में लिखिए, इससे बार बार सभी क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए 47 हो गया। अब 48 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए। देखिए बोल रहा है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु के 6-4 के कोटि का मान क्या होगा? देखिए ये हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में कोटि और भुज ये पूछा ही जाता है, तो ये पूछा है कोटि, तो इसमें से आपको बताना है कि कोटि का मान कौन होगा। तो देखिए आपको एक ट्रिक हम आपको बताते हैं, कोटि और भुज, मान लीजिए कि जहां पर रहेगा तो भुज आप हुए, क्या हुए कि भुज आप हुए, और कोठी यानी ये दहाई, अगर आप देहात गांव से होंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कोठी घर में रहता है कि नहीं, तो ये जहाँ पर भी आप रहिएगा तो वह भूज हुए, आ घर वाला यानी कोटी हुआ, यानी दूसर का नंबर वाले कोटी हुआ, ठीक है? तो इसमें देखिए पहल का आप हुए, आइए चार जो है ना ये कोटी हुआ, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो चार हो जाएगा। क्या पूछा है? कोटी पूछा है, तो इसका यानी चार आंसर हो जाएगा। बुझा गया ये भी क्वेश्चन? चलिए 48 हो गया। 49 नंबर क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर बताइए। बोल रहा है कि एपी इतना 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 के सर्वे अंतर यानी डी का मान पूछ रहा है, काथी का पूछ रहा है, तो ये डी का मान पूछ रहा है, तो देखिए इसमें डी का मान बताइए कौन होगा। देखिए थोड़ा मोड़ा इसे ऊपर करते हैं, चलिए बता इसका आंसर आप बताइए कमेंट में। देखिए इसका आंसर दिया है ना, तो डी का मान कैसे निकालते हैं? A2 -A1 ऐसे ही ना करते हैं, तो इसमें यानी देखिए इसको इसमें से घटा लीजिएगा तो आराम से इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए
तीन आ प्लस रूट दू आ माइनस, ये कौन अंक है यहाँ पे है ठीक है, तो ये तीन ये घटा लीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये माइनस तीन आ ये तीन कट जाएगा तो कितना होगा दू होगा, रूट दू यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें भी इसमें घटाइएगा तो उतना ही होगा, क्योंकि देखिए ये कट जाएगा, यहाँ पे एक है तो एक घटाइएगा तो एक हो जाएगा तो रूट दू हो जाएगा। सर्वे अंतर यानी ए टू माइनस ए वन होता है, यही ना होता है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन हो गया, 50 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर फटाक देना भाई, कमेंट में लिखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए सभी वर्ग होते हैं, सभी जो वर्ग होते हैं क्या होते हैं, सभी बराबर होते हैं नहीं समरूप होते हैं, क्या होते हैं समरूप होते हैं, बुझा गया। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर कमेंट में लिखिए। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है कि बहुलक हो क्या होगा, यानी 51 नंबर क्वेश्चन है कि बहुलक पूछा है। तो देखिए बहुलक का मतलब क्या होता है, देखिए जो भी अंक दिया रहेगा ना उसमें देखिएगा सबसे अधिक बार कौन शब्द रहेगा, यानी जो भी अंक रहेगा ना वही इसका बहुलक होगा। तो इसमें देखिए सबसे अधिक बार तीन लोग रहे ना तो तीन इसका बहुलक हो जाएगा, बुझा के आप। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन हो गया, 52 नंबर क्वेश्चन को देखिए इसका आंसर बताइए। देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है, यही ना होता है, बिल्कुल यही होता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए। देखिए यदि पूछा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान बताना है, बताना है कि इसमें किसका मान बराबर होता है। तो कॉस यहाँ पर देखिए साइन 45 का भी मान 1 भागा रूट 2 होता है, कॉस 45 का भी मान 1 भागा रूट 2 ये होता है। तो कॉस 45 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, कितना होगा कॉस 45 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा ठीक है, क्योंकि साइन 45 का भी मान इतना होता है, कॉस 45 का मान भी इतना होता है। चलिए यही ना, देखिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, दोनों पूछ रहा है कि बराबर, तो ऑप्शन नंबर डी यानी 53 का ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है। अब चलिए 54 नंबर क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर बताइए कमेंट में। चलिए पूछ रहा है कि अर्धवृत्त का कोण होता है क्या, कि अर्धवृत्त का कोण होता है कितना डिग्री होता है। तो देखिए अर्धवृत्त का मान लीजिए कि यह पूरा वृत्त है, क्या थी है यह पूरा वृत्त है, जब इसको आधा इसे काट दीजिएगा तो एक भाग हट जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा ठीक है। ये पूरा 360 डिग्री का बनाता है, कितना का बनाता है, ये पूरा 360 डिग्री का बनाता है, जब आधा काट लीजिएगा तो 180 डिग्री नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 18 दूना 36 यानी 360 डिग्री होता है, ये पूरा रहता तब ये पूरा 360 डिग्री का बनाता है, आधा पूछा है तो 180 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अर्धवृत्त का कोण होता है 180 डिग्री, बुझा गया, यानी 180 डिग्री इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 54 नंबर का। चलिए 54 हो गया, 55 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है कि इतना कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या के अपरिमेय है कि आभार्य संख्या है कि नॉन अप डिजाइन में से कोई नहीं है। तो देखिए जब भी आपको रूट में ऐसे सवाल मिले ना तो ये नहीं करना है कि अपरिमेय है, सीधा इसको हल करना है, पहले इसमें इसमें गुना कीजिएगा फिर इसमें इसमें गुना कीजिएगा, गुना करके देखिएगा, क्योंकि देखिए तीन तिहाई नौ ये सीधा लौक रहा है कि ये कौन संख्या अपरिमेय संख्या, क्योंकि तीन में तीन से गुना कीजिएगा तो तीन तिहाई नौ यानी तीन बाहर चलेगा, तो ये सब तो बाहर चलेगा आ जाएगा कि नहीं, तो सीधा कौन संख्या होगा परिमेय संख्या हो, क्योंकि परिमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप में होता है और अपरिमेय संख्या हमेशा रूट के रूप में रहता है ठीक है। तो आपको 55 नंबर भी क्वेश्चन बुझा गया होगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर इस कमेंट में लिखिए। देखिए बोल रहा है कि दिया गया आकृति में एक्स का मान आपको इसका बताना है, तो देखिए त्रिभुज में आपको एक्स का मान इस कोण का मान आपको बताना है। तो देखिए आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि देखिए ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 35 डिग्री हो गया, तो ये कितना होगा। देखिए यहाँ पे 55 डिग्री रखेंगे तब ना ये दोनों मिलकर 90 हो जाएगा और 90 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि देखिए इसमें 55 रखिए यहाँ पे, चलिए 55 डिग्री प्लस 35 डिग्री, इसको आप जोड़िएगा 5 5 10 के जीरो हाथ में एक 5 3 7 1 अर्शिन बचा हुआ तो 9 हो जाएगा, कितना होगा तो 9 होगा, 5 5 10 और 5 3 8 8 1 अर्शिनिया बचा हुआ तो 9 यानी 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री तीनों मिलकर 180 डिग्री नहीं हो गया, तो इसका आंसर कितना होगा, इसका एक्स का मान 55 डिग्री हो जाएगा, बुझा गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, बुझा गया। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन तो हो गया, आप 57 नंबर क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर कमेंट में लिखिए। 10 पाई बटा 2 का मान कितना होगा, तो आप जानते हैं कि पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ये 2 है, 2 से काटिएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, तो 10 90 डिग्री का मान कितना होता है, 10 90 डिग्री का मान अपरिभाषित यानी अनगिनत होता है, यही ना होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब 58 59 60 तीन क्वेश्चन बचा हुआ, तीनों क्वेश्चन को देखिए या कमेंट में इस सभी का आंसर फटाक फटाक लिखते चलिए। चलिए यदि ई का कोई घटना हो तो तब पी
प्लस पी डैश का मान कितना होगा। तो चलिए यह प्रयोगिता का सूत्र है, यानी पी प्लस पी डैश का मान कितना होता है, एक होता है। कितना होता है तो एक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, यानी 58 हो गया, 59 और 60 दोनों क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर कमेंट में जल्द जल्द आप लिखिए। चलिए बोल रहा है कि साइन पाई बटा 4 माइनस कॉस पाई बटा 4 का मान कितना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा, देखिए साइन 45 बोला है क्या, पाई बटा 4, यानी पाई बटा 4 तो पाई का मान तो 180 डिग्री होता है कि नहीं, ये 4 है तो 4 से इसको काटिएगा तो दो बार में 2 दुना 4 है, ये 90 हो जाएगा कि नहीं। अब 2 से फिर काटिएगा तो ये 45 बार हो जाएगा ना, यानी यहाँ पे देखिए साइन 45 कॉस 45 का मान कितना होता है, यानी साइन 45 का मान 1/√2, माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस लिख लीजिए और फिर कॉस 45 यानी कॉस पाई बटा 4 को काटिएगा तो कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर भी पाई बटा यानी 1/√2 तो ये दोनों कट जाएगा तो इसका आंसर कितना होगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका आंसर है 0 हो जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, यानी 59 का ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 59 हो गया। अब 60 नंबर क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर कमेंट में, इसका आंसर बहुत जल्द आप लिखिए। चलिए थोड़ा मोरा वेट करते हैं आपको आंसर को, यानी 60 नंबर क्वेश्चन है कि sin थीटा बराबर कितना होता है। तो sin थीटा बराबर देखिए sin थीटा * cos थीटा बराबर कितना होता है, sin थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर एक होता है। कितना होता है, एक होता है। तो हम साइन को धर लिया, इसको इधर भेज देंगे, देखिए ये गुना में है तो उधर जाएगा तो काथी में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा तो 1/cosec थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/cosec थीटा हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बुझा गया देखिए, यानी 60 को ऑब्जेक्टिव बहुत ही बेहतरीन तरीका से सभी को सोल्यूशन भी करा दिए, सभी क्वेश्चन को आप कॉपी में लाइन से लिखिए, जैसे से आपको तरीका बताया है ना, जिस तरीका से आपको सॉल्व किया है ना, उसी तरीका से बार बार ये सभी क्वेश्चन को हल कीजिएगा। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए ये तहलका बैच है तो तहलका तो मचाइबे ही करेगा। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।